सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। उत्तर प्रदेश में बलदियाती इंतखाब की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियां पूरी तरह सरगर्म दिखाई दे रही हैं। अपने हक में वोट हासिल करने के लिए लीडरान खूब रैलियां कर रहे हैं। इस दरमियान समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान ने एक बयान दिया है जो सुर्खियों में है। रामपुर में मुकामी बलदियाती इंतखाब को लेकर मुनक्किदा एक तकरीब में उन्होंने एक ऐसी फिक्र जाहिर की है जो इनके अंदर मौजूद खौफ की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल इंतखाबी तकरीब को खिताब करते हुए आजम खान ने बगैर अतीक अहमद का नाम लिए सरेआम कत्ल किए जाने का तذکرہ किया है। उन्होंने, आप मुझसे, मेरी बीवी, बच्चों और मेरे चाहने वालों से क्या चाहते हो? ये चाहते हो कि कोई आए और मेरी कनपट्टी पर गोली चलाकर चला जाए? बस इतना ही तो रह गया है। आजम खान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आवाम से मुखातिब होकर कहा कि बचा लो आज भी निजाम हिंद और कानून को बचा लो। आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ अपने आप को हौसला देना है। जहां रुके जाओ वहीं बैठ जाओ कि आगे बढ़ेंगे, वापस नहीं जाएंगे, वोट डालेंगे। ये हमारा पैदाइशी हक है। यह हक हमसे दो बार छीना गया है, अगर तीसरी बार छीना गया तो जान लेना कि अब सांस लेने का हक भी बाकी नहीं रह पाएगा। आजम खान ने इस बयान के जरिए इस बात की याद दिलाई जब यूपी असेंबली इंतखाब के दौरान रामपुर में मुस्लिम वोटरों ने इल्जाम आयद किया था कि इन्हें वोट देने नहीं दिया गया। क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आया कनपट्टी का गोली चला कर चला गया? बस इतना ही तो रह गया है, बचा लो आज भी निजामे हिंद को बचा लो, कानून को बचा लो। कुछ नहीं देना है आपको, सिर्फ अपने आप को हौसला देना है। जहां रुके जाओ वहीं बैठ जाओ, आगे बढ़ेंगे वापस नहीं जाएंगे, वोट डालेंगे। यह हमारा पैदाइशी हक है और इस हक को हमारे दो बार छीना गया है, अगर तीसरी बार छीना गया तो जान लेना शायद सांस लेने का हक भी बाकी नहीं रह पाएगा।